सभी लोग अब अपनी सही जगह पर पहुंच गए। अब वो सूर्य से सुरक्षित, उसे कोई खतरा नहीं, कोई भी। रानी परी, हमने लगभग आग पे नियंत्रण पा लिया है। जी रानी परी। हाँ, और परी लोग का तापमान भी कम हो गया है। हाँ हाँ परी, हमें भी लगता है कि बालवीर ने परी लोग को सूरज से दूर करने में सफलता प्राप्त कर ली, इसलिए हमें बालवीर की सहायता। बालवीर, 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 बालवीर उठिए, बालवीर, बालवीर आंखें खोलिए, बालवीर देखिए आपने अपने परी लोग को बचा लिया है। हाँ बालवीर, बालवीर उठिए, उठिए बालवीर, आंखें खोलिए। रानी परी। बाल परी आप चिंता मत कीजिए, हम बालवीर की पीड़ा अभी दूर करते हैं। बालवीर आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन रानी परी, मुझे इस बात का अफसोस है कि भयंकर परी का अंत इस बार भी नहीं कर पाए। बालवीर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आज आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। आपने पूरे परिलोक को ही नहीं बल्कि हम सब परियों की जान भी बचाई। बालवीर, हम तो खुश हैं कि आप सुरक्षित हैं। केवल ठीक ही नहीं, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि परिलोक पर से बुराई की परछाई हट चुकी और अग्नि ने अपना तांडव भी समाप्त कर दिया है। रानी परी, बालवीर ने ये विपत्ति तो दूर कर दी, लेकिन हमें डर है कि अगर वो खुद आपत्ति बन गया तो। हाँ रानी परी, भविष्य दर्शन यंत्र की दो भविष्यवाणियां सच हो चुकी, अगर तीसरी भी सच हो गई तो कहीं बालवीर ने आप ही पे वार कर दिया तो। रानी परी, बालवीर को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। रोहित केवल, आज तुम्हारा बॉस मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बहुत खुश है, इसलिए मैं आज तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा। बोलो क्या धमाका करना? मोंटू बस, एक दिन के लिए हम आपके बॉस बन जाए? क्या तुम दोनों फटीचर और मेरे बॉस? तुम्हारी तो नहीं, अरे नहीं 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 बॉस, बॉस ये तो ऐसे बोल रहा था कि मेरे बॉस जैसे फीलिंग है। हाँ। तो ऐसा जादू करो हम भी बॉस की तरह फील करें। हाँ। ओ। आइडिया। मेरे पापा मणिराम द ग्रेटेस्ट लखानी पता है, वो हमारे कंपनी के बॉस है, सबको पता है, मुझे भी पता है, और वो हमेशा प्लेन से ट्रैवल करता है, तो क्यों ना तुम भी प्लेन से ट्रैवल करो ताकि तुम्हें भी बॉस जैसी फीलिंग आए। क्या दिमाग चलाया आपने, मस्त हो जाए प्लेन की सवारी, बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, अब देखो मेरे मैजिकल पेंसिल का कमाल। हम तीनों प्लेन पर बैठ जाए, सॉरी मैं गलती से कुछ सीख गया होगा। अब मैं अभी कैंसिल करता हूँ। जान बच्ची तो लाखों पाए, के बुद्धू घर को आए। तूने मुझे बुद्धू कहा? तेरी तो नहीं नहीं बॉस, आपको बुद्धू नहीं कहा, तुम दोनों बुद्धू। हाँ, तुम ही बुद्धू। बाय द वे पेंसिल बड़ी अजीब है, इससे जो भी लिखना हो ना सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। परियो, आप सब इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? चुप नहीं बालवीर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है वरना मेरे विजय की धूमधाम से खुशियां मनाने वाली परी है इतनी चुपचाप नहीं खड़ी रहती। रियो बोलिए ना, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं बालवीर, आपसे कोई गलती नहीं हुई। बालवीर, अभी तक तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है, पर बहुत ही जल्द आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। माँ, क्या क्या कह रही है? क्या करने वाला हूँ मैं? बालवीर, आप रानी परी पर प्रहार करने वाले हैं। मैं? उनकी जान को आपसे खतरा है, आपसे खतरा है, आपसे खतरा है। बालवीर, हम जानते हैं कि ये बात आपको विचित्र लग रही होगी, पर यही सत्य है। हम सबने भविष्य दर्शन यंत्र में भविष्य की झलक देखी थी। और इसलिए हम सबको ये कठोर निर्णय लेना पड़ा है कि आपको परिलोक में बंदी बनाकर रखा जाए, माँ। रानी परी, परियो, आप सबका निर्णय सर आंखों पर, लेकिन रानी परी पर प्रहार मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरे पास इसके लिए कोई कारण भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगा। बालवीर, हम सब जानते तुम कभी भी जानबूझकर सच्चाई और अच्छाई के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। हाँ बालवीर, हमें खुद की चिंता नहीं है, हमें तो पृथ्वी लोक के बच्चों की चिंता सता रही है। अगर गलती से आपने पृथ्वी लोक के बच्चों पर वार कर दिया तो? बालवीर, हम चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी गलत साबित हो, पर हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। बालवीर, हमें सतर्क तो रहना होगा ना। हाँ बाल, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कारावास में नहीं भेजेंगे। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते बालवीर, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, हम मजबूर हैं, इसीलिए हम आपको परिलोक से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते बालवीर। बालवीर, रानी परी के पास जाने की और रानी महल में आने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। आइए बालवीर, आपके रहने की व्यवस्था झरने के पास की। माँ, रानी परी, परियो, मेरी आप सबसे एक बिनती, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि आप सबने जो भविष्यवाणी देखी है तो वो थोड़ी भी सच हो रही है, तो मुझ पर वार करने के लिए आप में से किसी का भी हाथ कांपना नहीं चाहिए। चलिए। चलिए, अब तो ये भविष्यवाणी सच साबित होके ही रही। मैं इसे सच साबित करूंगी। मैं तो बच गई बालवीर, लेकिन तुम अब नहीं बचो। ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम हमेशा हमेशा के परिलोक के कारावास की बंदी बन के रह जाओ। अरे बॉस, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पेंसिल ना आप मेहर को वापस दे दो, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। पागल हो गया क्या? अगर ये पेंसिल मैं उन पितियों को वापस दे दूं ना, तो वो अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे और फिर हम लटकने से याद आया, हमने तो हमारा प्रोजेक्ट अभी तक बनाया ही नहीं। अभी बनाता। मेरा साइंस का। एक मिनट बॉस, ये पेंसिल बहुत रिस्की है, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। हाँ। साइंस का। एक मिनट बॉस, इधर आओ। सीधे बैठो, अभी आंख बंद करो, गहरी सांस लो, कंसंट्रेट करो, बस अब लिखो। अरे बॉस, आंख खोल के लिखो। एक मिनट, लिखने से पहले अब जो सेंटेंस लिखने वाले हो वो दिमाग में सोचो, फिर उसे 10 बार जोर से बोलो और फिर पेंसिल से लिखो। हाँ। मेरा साइंस का प्रोजेक्ट। एक मिनट बॉस, अगर दोनों में से कोई भी अभी एक मिनट बोला ना, तो कान के नीचे बजा के दूंगा। मेरा साइंस का प्रोजेक्ट विंड मिल मीडियम साइज में आ जाए। हमारा विंडमिल देखा है ना, ये परफेक्ट। मुझे ऐसे ही विंडमिल चाहिए थे। अब मुझे पास होने से और पुकी को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। रोहित चबल, चलो इसे सर को दिखा के आते हैं। एक मिनट बॉस, फिर से एक मिनट बोला। अरे, एक मिनट बॉस, तू भी बोला। अरे बॉस, पहले इसकी पूरी बात तो सुन लो। फिर अगर फालतू लगी तो आप भी पी लेना, मैं भी पी लूंगा। बॉस बॉस मैं तो इतना ही कह रहा था कि एक बार इसे चेक कर लेते ये चल रही है या नहीं। मैं भी यही सोचा। ये विंडमिल चलने लगे। हाँ विंडमिल ऑन हो जाए। रोहित क्यों ये चालू हो गया? हाँ। अब देखना कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। बॉस किसी का क्या, इसमें तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, बिल्कुल टफ कंपटीशन है। डोंट वरी की तो मैं पहले ही पैन बचा चुका हूँ, अब बस उसके प्रोजेक्ट की पैन बचाना बाकी। परियो है बुलाया रानी परी ने आप सबको रानी महल में। ठीक है डूबा डूबा हम आते हैं। जी चलिए। मुझे अपनी योजना को सफल करने के लिए इन परियों से पहले रानी महल में पहुंचना होगा। क्या हुआ बालपरी, आप अचानक रुक क्यों गई? हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या बालपरी? अब शायद वो हमारा भ्रम होगा। बालवीर आप भी हमारी परछाई की तरह ही तो है, और एक परछाई किसी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन फिर भी हमें इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा बालवीर, क्षमा कर दीजिएगा। तुम यहाँ कैसे आई? अब तुम मेरी बंदी बन के रहोगी इस डिब्बी में हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हारे बाद बारी होगी बालवीर की। नहीं भयंकर परी नहीं। रानी परी डिब्बी में बंद। मत करना, टूट जाएगा तेरा प्रोजेक्ट है ना। मैं एक बात बोलूं, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कोई फायदा नहीं। हाँ क्यों? क्यों कोई फायदा नहीं है? बालवीर भी नहीं आ रहा है हमारी हेल्प करने के लिए, और मोनू के पास मैजिकल पेंसिल है और वो उसकी मदद से अपना विंडमिल बनाएगा और हम हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। क्या उसकी वजह से हम मेहनत करना छोड़ दें? पता है दादी हमेशा कहती है कि अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता? लेकिन माना हम लोग तो प्रोजेक्ट की चिंता कर रहे हैं। हम भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। लगता है मोंटू बॉस हार जाएगा। क्या बोला? अरे ये बोला कि लगता है वो पिद्दी लोग हार जाएंगे। उन्हें हारना ही पड़ेगा क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को जो जीतना है। अब देखना मैं उनके साथ क्या करता हूँ। देखो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, हम ही फर्स्ट आएंगे और तू भी पास हो जाएगा। मानव हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। अरे वाह पुकी, मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया तेरे लिए। वाह, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। हाँ जजेस भी ऐसा ही कहेंगे और फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलेगा। अरे मेहर सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मोंटू बॉस ने ना उनके साइज जितना विंडमिल का प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना। तो क्या हुआ, फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलेगा, मतलब हमें ही मिलेगा। अरे वाह क्या कॉन्फिडेंस है, ऐसे टूटे फूटे भंगार प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। कैसे? टूटा फूटा भंगार? तुझे हमारा प्रोजेक्ट टूटा फूटा भंगार दिखाई देता है? हाँ? हाँ। मुझे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट टूटा फूटा भंगार ही दिखता है। एक काम करो तुम भी ना जरा ध्यान से देखो। मोंटू ये तूने क्या किया? चलो रे। ये क्या रानी परी, आपकी आंखों में आंसू। बच गई, अच्छा हुआ सही समय पर रूप बदल के रानी परी बन गई, नहीं तो मेरा खेल बिगड़ जाता। रानी परी संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले हम खुद को, कैसे संभाले? बाल परी हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारे कारण आपके पुत्र को आज ये दिन देखना पड़ा। नहीं रानी परी नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो स्थिति और संजोग का है। जी रानी परी आप इस तरह अपने आप को मत कोसिए, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो हम सब परियों का क्या होगा? हाँ रानी परी, आर पार परी बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं परियों, हम अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकते। हम अभी बालवीर के पास जाएंगे और उनके साथ मिलकर इस भविष्यवाणी का कोई दूसरा उपाय निकालेंगे। नहीं रानी परी आप ऐसा मत कीजिए। क्यों नटखट परी? क्योंकि बालवीर हम पर वार करेगा। नहीं परी, बालवीर हम पर कभी वार नहीं करेगा क्योंकि बालवीर परीलोक का पुत्र है और एक पुत्र अपनी माँ पर कभी वार नहीं कर सकता। ये मूर्ख परियां मेरी बातों में आ चुकी हैं। अब बस एक सही कदम और बालवीर का खेल खत्म। परियों, हम जा रहे हैं। रुकिए रानी परी, अगर आप जाना चाहती हैं तो ठीक है, हम सब भी आपके साथ जाएंगे। हाँ रानी परी, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं परियों, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा और ये हमारा आदेश है। बालवीर, अब तुम मेरी मुट्ठी में हो। अब मैं तुम्हारा अंत भी कर दूं तो ये मूर्ख परियां यही समझेंगी कि रानी परी को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा। मैं, मेरा प्रोजेक्ट टूट गया, मैं पास किसे आऊंगा? तो चिंता मत कर, हम तेरा प्रोजेक्ट वापस बना लेंगे। लेकिन मैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये प्रोजेक्ट फिर से बना सके। अब तो बालवीर ही कुछ कर सकता है। लेकिन बालवीर भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अरे बालवीर नहीं है तो क्या हुआ? उसकी दी हुई सीख तो है। वो हमेशा कहता है कि अंत तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। मैं, तू ठीक कह रही है, पर कल साइंस प्रोजेक्ट का कंपटीशन है और मॉडल में तब मैं प्रोजेक्ट बना भी है। हम उसे जीतने से नहीं रोक सकते। रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हम सब मिलकर मोंटू से वो मैजिकल पेंसिल छीन लेंगे। एक बार वो मैजिकल पेंसिल हमारे हाथ लग गई तो कंपटीशन में हमारी ही जीत होगी। लेकिन मैं, जब तक वो मैजिकल पेंसिल मोंटू के पास है तब तक उसके सामने जाना भी बहुत रिस्की है। फिर हम मुझसे वो मैजिकल पेंसिल कैसे लेंगे? मैं बताती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, अभी सुनो। बालवीर, आ गई हूं मैं तुम्हारा अंत करने। बालवीर, अब मैं तुम्हें मुझ पर वार करने के लिए मजबूर कर दूंगी और मूर्ख परियां ये समझेंगी कि तुमने उनकी प्यारी रानी परी पर वार करके भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया है। और फिर तुम्हारे अपने तुम्हें समाप्त कर देंगे। परी, आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मूर्ख हो तुम बालवीर, जिसने तुम्हें बंदी बनाया उसी रानी परी की चिंता कर रहे हो तुम। बालवीर, बालवीर, हम आपको स्थिति में देखकर बहुत दुखी, पर हम जानते हैं कि आप भी बहुत दुखी है। लेकिन हे रानी परी, मुझे बंदी होने का दुख नहीं, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाई, मैं भयंकर परी का अंत नहीं कर पाई। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं कर रही। बालवीर, तुम भयंकर परी का अंत करना चाहते हो तो करो। बात, क्या आप क्या कह रही है रानी परी? मैं आपकी बार कैसे कर सकता? तुम करोगे, तुम बार जरूर करोगे, क्योंकि उससे पहले मैं तुम पर बात करने वाली हूं। ये तो बुरा ही कहा है। इसका मतलब तुम रानी परी नहीं, सही पहचाना पाई। मैं हूं सच्चाई और अच्छाई की शक्ति, परिलोक की शक्ति, और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी। बालवीर, अब तो तुम मुझ पर वार जरूर करोगे ना? बालवीर, तो परी तुम? मैंने तुम्हारी रानी परी को बंदी बना लिया। मुझसे बदला नहीं लोगे? सिर्फ इसका ही नहीं, तुम्हारे हर बुराई का बदला लूंगा मैं भयंकर परी। ये तो बहुत बड़ा धमाका था। बालपरी, कहीं बालवीर ने रानी परी पर प्रहार तो नहीं कर दिया? परियो, इससे पहले कि भविष्यवाणी सच हो जाए, हमें रानी परी के पास पहुंच जाना चाहिए। वो अकेली है बालवीर के पास। जी बालपरी, जी बालपरी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंत आज मैं करके ही रहूंगा। मेरी बात सुनो, ये रानी परी। अरे माँ, ये रानी परी नहीं है, ये भय। माँ, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, आंखें खोलिए। बात परी कुछ करिए ना। रानी परी कुछ बोली क्यों नहीं? अरे माँ, परियो, वो असली रानी परी नहीं है। असली रानी परी को उसने कैद कर लिया है। वो भयंकर परी है। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। आज पहली बार बुराई की विजय होने जा रही है। सब तैयारियां हो गई है, अच्छा वानी, तूने वो पेंसिल बना ली? ये ले मेरे। वाह मैम, ये पेंसिल तो एकदम ओरिजिनल लग रही है। अब हमें उस मोंटू से वो जादुई पेंसिल चुराने की कोई जरूरत नहीं। अरे टप्पर, इसमें कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, ये डुप्लीकेट है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो। हम मोंटू से कहेंगे कि मैजिकल पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई है और उसे इस चार्जर से उसे चार्ज करना होगा। और फिर जैसे ही वो अपने मैजिकल पेंसिल को ट्रे में रखेगा, अंदर बैठा हुआ मानव उस ट्रे को खींचेगा और पेंसिल को निकालेगा और उसके बदले ये डुप्लीकेट पेंसिल वापस अंदर रख देगा और फिर उसे आगे धक्का मारेगा। फिर मोंटू उस डुप्लीकेट पेंसिल को असली समझ बैठेगा और हमारे पास ये ओरिजिनल पेंसिल आ जाएगी। क्या आइडिया? मैं तेरा आइडिया तो एकदम सॉलिड है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? तुझे क्या लगता है कि हम मोंटू को जाके बोलेंगे कि मैजिकल पेंसिल को इसमें चार्ज कर दे तो वो हमारी बात मानेगा? ये तो मुझे भी पता कि वो सीधे सीधे हमारी बात नहीं मानेगा। तो फिर हम उसे कैसे मनाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मानव नाटक मत करा, सुन। वेरी गुड मैन, वेरी गुड, वेरी गुड मैन। बालवीर, आप ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम ठीक हैं। बालपरी, हम तो उनसे क्षमा मांग रहे थे, लेकिन अचानक बालवीर इतने क्रोधित हो गए और उन्होंने हम पर वार कर दिया। परियों, हमें तो लगता है कि भविष्य दर्शन यंत्र ने बिल्कुल सही कहा था। वही तो हम आपसे कह रहे हैं रानी परी, और खतरा अभी टला नहीं है। बालवीर फिर से हम पे वार करने वाला है। क्या? हाँ रानी परी, यही सत्य है। विज्ञान परी, आप भविष्य की झलक दिखाएंगे? जी। परियों, आज रानी परी के अंत के बाद आप सब परियों का भी अंत निश्चित है। ये वाह, मेरा कार्य बालवीर ही कर देगा। बालपरी, ये सब क्या है? बालपरी, परियों, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। रानी परी, अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये है कि हमें वीर का अंत करना होगा। बालपरी, बालपरी, ये आप क्या कह रही हैं? ये बालपरी, बालपरी, वाह, मारो कुल्हाड़ी अपने ही पैरों पे। यही तो चाहती हूँ मैं। एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो तुम सबको तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगी। रानी परी, आप क्या सोच रही हैं? अब सोचने के लिए रहता ही क्या है रानी पर। बालवीर ने हमसे कहा था कि अगर भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे तो हमें उस पर वार करने में संकोच नहीं करना है। हमारी और पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा के लिए हमें ये कठोर कदम उठाना ही होगा। हमें बालवीर का अंत करना ही होगा। हमें बालवीर का अंत करना होगा। ठीक है परी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं बालवीर का अंत करूंगी। मैं रोहित केवल, अब तो समझो कि वो पिद्दिस कंपटीशन से आउट है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। मैं मेरा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट बनाऊंगा। आ गया। मैं तुम्हें बताया नहीं कि ये मैजिकल पेंसिल खराब कब होगी? धीरे बोल, आजकल पेड़ पौधों को भी कान होते हैं। फिर भी मैं बता तो सही, ये मैजिकल पेंसिल खराब कब होगी? बस थोड़ी ही देर में मैजिकल पेंसिल की बैटरी खत्म हो जाएगी और वो बेकार हो जाएगी। ओह, तो मोंटू इसे चार्ज कर लेगा ना? हाँ। अरे पुकी, तू मेरा बुद्धू है एकदम। अरे वो एक मैजिकल पेंसिल है, थोड़ी ना कोई मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने का सिग्नल इंडिकेट करे। ये मैं थोड़ा भी इंडिकेशन होगा ना, या भी बैटरी खत्म होने तो इंडिकेशन मिलेगा। जरूर मिलेगा, लेकिन मोंटू को समझ ही नहीं आएगा। अच्छा बता, तुझे फर्स्ट इंडिकेशन पता है क्या है? नहीं पता? अच्छा बताती हूँ। फर्स्ट इंडिकेशन है कि अगर जिसके पास भी वो मैजिकल पेंसिल होगी और वो उसे चार्ज नहीं करेगा तो उसके ऊपर पानी के गुब्बारे फूटेंगे। फर्स्ट इंडिकेशन तो पता चल गया ना तेरे को? हाँ। दूसरा इंडिकेशन पता है क्या है? नहीं पता है? अच्छा, दूसरा इंडिकेशन है कि अगर अभी भी वो पेंसिल को चार्ज नहीं करेगा तो उसके ऊपर गोल्डन फुटबॉल आएंगे। गोल्डन फुटबॉल? गोल्डन बॉल? गोल्डन फुटबॉल? अच्छा पुकी, ये दोनों तो कुछ भी नहीं। तुझे तीसरा इंडिकेशन पता है? नहीं। अच्छा ठीक है, वो भी बता देती हूँ। अगर अभी भी वो मैजिकल पेंसिल को चार्ज नहीं करेगा तो उसके पास एक मैसेज बॉक्स आएगा। मैसेज बॉक्स? हाँ। और फिर उसे खोलते ही उसमें से पंचिंग ग्लव्स निकलेंगे। और फिर उस पंचिंग ग्लव्स के बाद उसके पास होगा एक लेटर। उसमें लिखा होगा कि अगर मुझे चार्ज नहीं किया तो मैं फूट जाऊंगी। धड़ाम! बॉस, इस मैजिकल पेंसिल का चार्जर ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो। चुपचाप सुनो क्या बोल रही है वो। अरे पुकी, मैंने तुझे तो बताया ही नहीं। हाँ। कि मैंने वो चार्जर गार्डन में छुपाया हुआ है ताकि मोंटू को वो चार्जर कभी ना मिले। हाय मेहर, थैंक यू वेरी मच मेहर, पेंसिल के चार्जर का पता बताने के लिए। हाँ। मोंटू, तू यहाँ क्या कर रहा था? जासूसी। बेवकूफ पिद्दियो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये मैजिकल पेंसिल का चार्जर आ जाए। अरे, ये पेंसिल काम क्यों नहीं कर रही है? बेवकूफ मैं नहीं, तू है मोंटू। चार्जर होगा तो आएगा ना। अरे मोंटू, इसका चार्जर तो है, लेकिन इसकी बैटरी अभी वीक हो गई है। और अब इसीलिए ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, फिर थोड़ी देर में फूट जाएगी। अरे क्यों बताया? बॉस जल्दी से गार्डन में भागो और इस पेंसिल का चार्जर ढूंढो, नहीं तो इतना बड़ा धमाका होगा कि हमारी बैंड बच जाएगी। नहीं ढूंढो से। माँ परियो, वो पुरानी परी नहीं है माँ, वो भयंकर परी है, भयंकर परी है वो। चीखो बालवीर और चीखो, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। पुरानी परी देखिए, बालवीर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसने इस गुब्बारे के बंधन को तोड़ दिया तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। जल्दी कीजिए रानी परी, आदेश दीजिए। जल्दी कीजिए रानी परी, कहीं ये भविष्यवाणी भी सच न हो जाए। रानी परी आदेश दीजिए। ढूंढना चालू करो। खेती में तो मेरे से भी बड़े उल्लू है, और नहीं तो क्या। गार्डन के एकदम बीचों बीच एक अजीब सी चीज रखी हुई है, फिर भी इनको दिखता नहीं है। अरे मोंटू बॉस, लगता है ये इस पेंसिल का चार्जर होगा। पागल है क्या? ऐसे कैसे? पेंसिल देख कितनी छोटी है और चार्जर इतना बड़ा। अरे बॉस, आपका शरीर इतना बड़ा है लेकिन नीमा कितना छोटा है ना। हाँ। तो अरे बॉस, देखो ये ट्रे भी बाहर आ गया। अब तो यही चार्जर है, डाल दो इसमें पेंसिल। बस डालो। हाँ। बस, अब तो ये ट्रे भी अंदर चला गया। अब तो पक्का यही चार्जर है। हाँ बस, अब देखना ये पेंसिल 100% चार्ज होके बाहर आएगी। बॉस देखो, पेंसिल चार्ज होके बाहर आ गई। जाओ लो लो। बॉस उन बेवकूफ वीडियो के वजह से हमारी पेंसिल तो चार्ज हो गई। बॉस हम एक काम करते हैं, हम चार्जर भी अपने साथ लेकर चलते। बॉस हम एक काम करते हैं, हम चार्जर भी अपने साथ लेकर चलते। क्यों? अरे बॉस भाई ये पेंसिल फिर से डिस्चार्ज हो गई तो फिर गुब्बारे, फुटबॉल, चलो लेके चलते, लेके चलते, चलो। रोहित के भाई बस करो, ये चार्जर को बाद में लेके जाएंगे, पहले कंपटीशन में चलो वरना हम हार जाएंगे। चले गए। अलविदा बालवीर, आज तुम्हारे साथ सच्चाई और अच्छाई का भी अंत हो जाएगा। रानी परी, समय व्यतीत मत कीजिए, आदेश कीजिए। लेकिन परियों, एक माँ अपने पुत्र के प्राण लेने का आदेश कैसे दे सकती है? हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी परी, आप पृथ्वी लोक के भी तो हजारों लाखों बच्चों की माँ है, उनके बारे में सोचिए और आदेश दीजिए। हम आदेश देते हैं कि बालवीर पर बिजली की तरंगें छोड़कर बालवीर का अंत कर दिया जाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।